सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आए एक और नए वीडियो से। आज के जोड़ी में इस टाइप का फोटो एडिट करने वाले जो भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा फोटो एडिट करना चाहते हो इस वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल जितने लोग भी नए प्लीज ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर दिए, नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए ताकि जो भी मेरा टेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच रहे। और आप लोग ऐसा फोटो एडिट करते रहिए, इंस्टाग्राम अंदर किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते रहे, ढेर सारा व्यूज और लाइक्स आपको भी मिलता रहेगा और अभी इंस्टाग्राम यूट्यूब अदर किसी प्लेटफॉर्म पर ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि भाई आप लोग सपोर्ट करोगे तो भी हम लोग भी आगे बढ़ पाएंगे और आप लोग भी, ठीक है। और गाइस मैं जो भी PNG और स्टॉक्स यूज़ करता हूँ वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आपको कुछ इस टाइप से एक फोटो ले लेना है या फिर जो भी आपको फोटो एडिट कर लेना है उस फोटो को ले लीजिएगा और उसको शेयर कर लीजिएगा आपको अपने लाइटरूम ऐप में। तो फिलहाल गाइस मैंने अपने फोटो को लाइटरूम ऐप में शेयर कर दिया है, उसके बाद आपको चलना है अपने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है। फिलहाल मैं अपने लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, ऑल फोटोज़ पर क्लिक करता हूँ, और ऑल फोटोज़ पर क्लिक करने के बाद से देखते हैं कब तक हमारा फोटो यहाँ पर आता है। उसके बाद देखो हमारा फोटो ऊपर में आ चुका है। फिर आपको अपने फोटो को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद से ठीक है इसमें आपको कुछ सेटिंग्स करना है। तो सेटिंग्स अभी आपके भाई स्क्रीन पे दिखेगा ही, तो प्लीज़ आप लोग वैसा ही कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम ग्रीन पे जाएंगे, तो जो इसका ह्यू है उसको कम कर लेंगे। फिर येलो पे आएंगे, उसका भी ह्यू थोड़ा सा कम कर लेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो आप देखो बैकग्राउंड हमारा भाई ऑरेंज टोन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद लाइट में आएंगे, जिसका हम लोग ब्लैक एंड वाइट को कम कर लेंगे, शैडो को बढ़ा लेंगे, हाईलाइट को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे। हम वाइट को पूरा बढ़ा लेते हैं और हाईलाइट को कम कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये सेटिंग्स रखिएगा। फिर आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है ऊपर, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और फिर भाई इफेक्ट में आएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम बिगनेट को कम करेंगे, मिड पॉइंट को भी कम करेंगे, यहाँ पे फीदर और राउंडनेस इन दोनों को बढ़ा देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद से आप लोग देख लो अपने आपकी स्क्रीन में सेटिंग्स दिख रहे हो। फिर आपको कलर पे जाना है, मिक्स पे क्लिक कर देना है। फिर आपको ऑरेंज पे आना है, सेचुरेशन कम करना है, लुमिनियंस को बढ़ा देने से आपका फेस वाइट हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको येलो पे जाना है, उसका भी सेचुरेशन कम करेंगे और लुमिनियंस को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो फेस आपका और भी ज़्यादा वाइट हो गया। फिर आपको रेड पे आना है, तो लुमिनियंस एंड सेचुरेशन दोनों को बढ़ाना है और ह्यू को कम करना है, इससे थोड़ा सा आपके फेस में रेडनेस ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल देख सकते हो हमारे फोटो में काफ़ी अच्छी तरीके से रेडनेस यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये सही सोने के बाद से अब आपको आना है इधर ऑप्टिक्स पे, इन दोनों को इनेबल कर देना है। तो जैसे आप इनेबल करोगे तो आपके फ़ोन के ऊपर एक लोडिंग स्क्रीन शो होगा, ठीक है। तो शो होने के बाद से आपको क्या करना है, अब आपको अपने फ़ोटो को यहाँ से शेयर कर लेना है। तो यहाँ से अब आपको अपने फ़ोटो को शेयर कर लेना है ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप में, जो आपको प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा। तो जाइए आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर लीजिए ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप, ठीक है। तो फिलहाल देख सकते हो अभी हमारा स्क्रीन लोडिंग ले रहा है, और देखते हैं कितना टाइम में ओपन होता है। तो फिलहाल हमने अपने फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप में शेयर कर दिया है, और थोड़ा सा लोड लेगा। अगर आपका फ़ोन भाई बहुत ही अच्छा है तो थोड़ा भी लोड नहीं लेगा, बहुत ही जल्दी खुल जाएगा। तो फिलहाल देखो अभी हमारा फोटो यहाँ पे आ चुका है। इसको हमें एक टूल चाहिए जिसका नाम है स्मज राउंड ब्यूटीज ब्रश, ये रहा वो टूल। और आप सेटिंग्स देख लीजिएगा, और सेटिंग्स को स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख लीजिए, क्योंकि अगर फिर से स्मूथ करने के बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो भाई आप इस वीडियो को पूरा फिर से देख सकते हो, या फिर इतना भाई सेटिंग्स को देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको अपने फेस पे ब्रशेस करने हैं, और ध्यान रहे गाइस आपको अपने बालों पे ब्रशेस नहीं करना है, और आपको उल्टा भी ब्रशेस नहीं करना है। जैसे आपको अपने गाल की तरफ से अपने नाक की तरफ बिल्कुल भी ब्रशेस नहीं करना है, और ना आपके नाक की तरफ में काफ़ी बेकार से एडिटिंग्स हो जाएगी। तो ध्यान रखना है इन सभी बातों को, जैसे कि ऊपर से आपको अपने आइज़ की तरफ ब्रशेस नहीं करना है। तो आपको जहाँ जहाँ भी ब्लैक देखा उसे राउंड करके आपको ब्रशेस करना है, जैसे कि मैंने किया अपने आई साइड में, तो आपको बिल्कुल भी वैसा ही करना है। और साइज जो भी है ब्रश का उसको छोटा बड़ा करके आप एडजस्ट करते रहिएगा, ताकि काफ़ी अच्छी तरीके से भाई फेस को स्मूथ कर पाओ आप लोग, और इधर उधर सेटिंग्स ना हो पाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर में स्मूथ कर दिया है। तो चलो हम थोड़ा सा नीचे भी स्मूथ कर लेते हैं, जैसे कि हमारा लिप्स हो गया और गला भी हो गया, इन सभी जगह भी स्मूथ करना बाकी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइज़ को छोटा कर लेना। तो ऐसे पता नहीं क्यों मेरा स्क्रीन काम करना यहाँ पर बंद कर दिया था, तो आई डोंट नो, ठीक है। तो चलो अभी सही हो चुका है, तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर हाँ ब्रशेस करते हैं। तो देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे लिप पे भी ब्रशेस कर दिया, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे मुझे कोई अलग से लिप पे कलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा है, ऑटोमेटिक जो भी कलर लिया है वही मैं कलर को यूज़ किया हूँ। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे मैंने लाइटरूम में रेड का यूज़ किया था, तो सिंपली आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे अपने फोटो को काफ़ी अच्छे से स्मूथ कर दिया। फिर आपको लेयर पे आना है, प्लस वाला आइकन क्लिक करके न्यू लेयर बना लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने लेयर को जो स्क्रीन मोड पे रख लेना है, जैसे मैंने अभी स्क्रीन मोड पे रख दिया है। फिर आपको कलर चूज करना है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारा कलर है, तो आप इस कलर में आ जाना है। तो
चलो ये सेकेंड वाला जो कलर है इसमें आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद से अभी देखो जो मैं कलर चूज किया आपको उसी कलर को चूज करना है, और ब्रश चाहिए आपको तो हार्ड एयर ब्रश को यूज कर सकते हो। तो हमने चलो यहाँ पे ब्रशेस में आते हैं और देखो यहाँ पे इसका जो, ठीक है, तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है जैसे यहाँ पर मैं ब्रश कर रहा हूँ। तो फिर आपको लेयर में आना है, उसी लेयर पर क्लिक करना है जहाँ स्क्रीन वहाँ पर सॉफ्ट लाइट कर देना है। तो देखो सॉफ्ट लाइट पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो आपको कहना है सॉफ्ट लाइट पर आपको अपने फेस पे ब्रशेस करने हैं। जैसे कि मैं ब्रशेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको फेस में लाइट ऐड हो रहा है। तो अभी मैं इस लाइट को जो येलो टोन में हमारा फेस कन्वर्ट हो रहा है उसको सही करने का मैं तरीका बता दूंगा, तो आप लोग यहाँ पर उस लाइट को भी सही कर पाओगे। जैसे कि देखो मैं ब्रशेस कर रहा हूँ तो आपको जूम करके काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रशेस कर लेना है, यानी कि भाई आपको छोटा ही करके ब्रशेस कर लें तो खराब दिखेगा आपको, ठीक है। तो जैसे आपको जूम करके ब्रशेस करना है, आपको अपने ड्रेसेस पे भी ब्रशेस नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने बॉडी पे ब्रशेस करना है और वो काफ़ी अच्छी तरीके से करना है। ज़्यादा साइज बड़ा हो तो आप साइज़ को छोटा कर लीजिएगा, लेकिन आपको अपने साइज़ को अच्छी तरीके से एडजस्ट करके ब्रशेस करने होंगे, ठीक है। तो फिलहाल देख सकते हो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा बियर्ड छूटा हुआ है तो उसको भी हम कर लेते हैं। अब जाके हमारा भाई पूरी तरीके से यहाँ पर ब्रश कर चुके हैं और अच्छी तरीके से कर चुके हैं। फिर इसी प्रकार हम लेयर पे जाएंगे और उसका जो ओपेसिटी उसको कम करेंगे, फिर HSL में आएंगे और यहाँ से जो ह्यू है उसको कम कर देंगे और सेचुरेशन को भी थोड़ा सा कम कर देंगे। तो देखो काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा फेस बन चुका है। फिर आपको क्या करना है, दोनों लेयर को एक में मर्ज कर देना है, आप चाहो तो मर्ज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे अपने दोनों लेयर को एक में मर्ज कर दिए हैं। तो फिलहाल अभी देख सकते हो हमारा यहाँ पे ऑटोडेस्क का काम हो चुका है ख़त्म। फिर आपको यहाँ से शेयर वाले आइकन में क्लिक करना है। अब आपको अपने फोटो को शेयर कर लेना है यहाँ से पिक्सार्ट ऐप में। तो गाइस ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप फ्री वाला वर्जन यूज कर सकते हो, कोई पैसा पेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको अलग से। तो हम अपने फोटो को पिक्सार्ट ऐप में शेयर कर दिए हैं, तो देखते हैं कितना टाइम में लोड लेता है। और लोड लेने के बाद से आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है अपना पिक्सार्ट को, ठीक है। तो अभी इसको देखो फाइनली हमारे फ़ोन में फोटो लोड ले चुका है। फिर आपको आई कलर में आ जाना है, ब्यूटी में जाने के बाद से उसके बाद से जो लास्ट वाला लेंस है उसको चूज कर लेना है, और चूज करने के बाद से उसको आपने क्या करना है, आइज में एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद से आपको क्या करना है, इरेजर टूल पे क्लिक करना है और इसको इरेज कर देना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद से फिर आपको अपने सेकेंड आइज पे आ जाना है, उसको भी अच्छी तरीके से उसमें एडजस्ट करना है। फिर आपको इरेजर टूल पे क्लिक करना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं सबको इरेज करके डन कर देना है। तो फिलहाल मैंने अपने फोटो पे यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, फिर डन कर दिया। फिर आपको टूल्स में आना है, एडजस्ट में आ जाना है। आप सेचुरेशन में आएंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे, और कम करने के बाद ऊपर इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे और इनवर्ट पे क्लिक कर देंगे। इनवर्ट पे क्लिक करने वाले से आपको अपने फेस पे ब्रशेस करना है। इससे क्या होगा, जो आपके फेस में रेड टोन एंड ऑरेंज टोन था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और वाइट टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमने कलर ग्रेडिंग एंड टोनिंग फेस स्मूथ भी कर चुके हैं। तो अभी हमारा फोटो बन के रेडी हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो गाइस बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में। और गाइस डॉट उसे सेव कीजिएगा, इससे HD में फोटो सेव होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर गाइस, बाय बाय।